द मुकदमा दरेशन ऑफ रियालिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर इब्ने खलदून की किताब मुकदमा के बारे में बात की जाती है और जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इब्ने खलदून की इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री एज़ वेल एज़ इन political sociology वो असल में हमें इसी किताब के थ्रू हम तक कम्युनिकेट होती है बिकॉज द मुकदमा वॉज रिटर्न इन 1377 सेवनटी सेवन बाई खलदून एंड इट इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज़ ऑफ़ बुक्स विच मेक अप दिताबल इबर बुक ऑफ लेसनस बेसिकली तो ये किताब है और ये जो हम तक कम्यूनिकेट हुआ वो कुछ पोर्शन है जिसके अंदर से आज की दुनिया के लिए भी बहुत सारे लेसन हैं बिकॉज द मुकदमा विच सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू द किताब विच इज़ बेसिकली Uh, written by Ibn Khaldun and his philosophy. Uh, firstly, the Islamic Golden Age, because uh, he basically appreciated the rise of the Muslim state in the world, that how uh, the teachings of Hazrat Muhammad gathered the people and they tried to have uh, the state, and how uh, Muslims they experienced the golden age Islamic golden age time period but then uh, after passing many experiences Muslims were uh, became the rulers on the various parts of the world and then they have also experienced the downfall in some parts of the world so this kitab book जो बेसिकली जो लेसनस हैं मुस्लिम्स के लिए भी और फॉर ऑल द अदर नेशंस वो क्या हैं कि मुस्लिम कोई भी जो ग्रुप uh, होता है जो अपनी ख़ास आइडियोलॉजी के बेस पर चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो चाहे वो ग्रुप एफिलिएशन हो किस तरीक़े से पावर uh, में आते हैं फिर एक टाइम आता है कि वो अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं और फिर इसकी एग्जांपल्स मुस्लिम वर्ल्ड के साथ लिंक की है इबन खलद ने कि कैसे मुसलमान जो हैं वो अपने फिलोसॉफिकल पीक पर भी पहुँचे बहुत सारे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशनस जो हैं वो आज भी मानी जाती हैं वेस्ट भी उनको मानता है यूरोप भी उनको मानता है उनकी रेलिवेंस आज भी है उन फ़िलासफीज़ की और ये सब का सब जो है कब मुमकिन होता है जब लोग स्ट्रगल करते हैं लोग एफर्ट करते हैं और फिर बगदाद काहिरा और ये ये सब वो वो शहर थे जो एक वक्त में इल्म की मिसाल बने हुए थे और इन बड़े बड़े जो इस्लामिक सेंटर्स थे जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर तजारत भी करते थे इल्म भी सीखते थे तो जो पॉलिटिकल इकनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो कब किसी भी कौम के अंदर अपनी पीक पर जाती हैं जब वो कॉम अपने एक कास मकसद के साथ इकट्ठी होती है और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्ट्रगल करती है लेकिन फिर अगर वो कॉम अपना रास्ता भूल जाए या उसके मकासद को इग्नोर कर दे तो फिर जो स्पिरिट ऑफ डिक्लाइन है एक्चुअली मुकदमा हाईलाइटेड दोज रीजंस एंड कॉजेज ऑफ राइज एंड फॉल So, it was against uh, basically Ibn Khaldun's uh, basic philosophy that uh, how a proud Arab Muslim uh, whose family uh, had played a prominent role in the leadership of the Muslim Spain, then he wrote uh, Muqaddimah uh, regarding his own experiences and his uh, writings actually.

जनरल थेरी अप्लाई करके समझना है तो वो इब्ने खलदून की किताब के अंदर वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो है वो अवेलेबल है हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे इतराज़ात भी लोग करते हैं कि ये इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है ज़रूरी नहीं है कि यही सर्टन पैटर्न हो बाज़ात कुछ और अनसर्टन कंडीशंस जो हैं वो राइज कर जाते हैं कई दफ़ा जब स्टेट्स जो हैं वो उनका डाउनफॉल नियरर होता है तो अचानक कोई ऐसा लीडर राइज कर जाता है जो चीज़ों को दोबारा से मैनेज कर ले या कंट्रोल कर ले या लोगों के अंदर इतनी सेंस ऑफ अवेयरनेस आ जाती है कि वो ये समझ जाते हैं कि अगर वो दोबारा से अपने प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो इस डाउनफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं यानी जो इब्ने फलद ने अपनी राइटिंग्स के अंदर एक सर्टन टाइम फ्रेम दिया है अब कुछ फ़िलासफर्स का ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम पीरियड हो लेकिन हम ये बात कहने में हक में जानब हैं कि मुकदमा के अंदर इतने खलदून ने जो लॉजिकल आर्गमेंट्स दिए हैं वो आज भी रेलिवेंट हैं